दोस्तों साउथ की एक और जबरदस्त एक्शन हेस्ट थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गोस्ट और सुपरस्टार शिवा राजकुमार की वेदा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद एक और खतरनाक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है और ये एक बहुत ही बड़ी पैन इंडिया मूवी होने वाली है बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज इस मूवी को रिलीज करने जा रही है और आज के दिन इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे कैदी खड़े हुए हैं हाथ बांधकर और वो बेबस और लाचार हैं और अभी उनको मार दिया जाएगा ऐसा लगता है। तभी एक व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि एक डायलॉग बोल रहा होता है कि लड़ाई किसी चीज का भी सोल्यूशन नहीं है, लड़ाइयों से बड़े बड़े राज्य तबाह हो जाते हैं और कई सारे लोग हिस्ट्री में गुम हो चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले भी परेशान नजर आते हैं जो कि किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो आखिर वो घोस्ट है कौन जिसको पुलिस भी पकड़ना चाहती है लेकिन वो सबको चकमा देकर जेल में घुस जाता है और कैदियों को आजाद करा देता है और उसके बाद फिर जबरदस्त मासी सीन देखने को मिलते हैं जिसको देखकर एक गोज बम आने लगता है। तो कुल मिलाकर ये मूवी बहुत ही यूनिक होगी, अलग तरह की मूवी होगी और शिवा राजकुमार ने पहली बार एक ऐसा रोल किया है जिसकी शायद उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि लंबे समय से कोई ब्लॉकबस्टर मूवी सुपरहिट मूवी उनके हाथ नहीं लगी है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी उनके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। वहीं इस मूवी के लीड रोल में आप सुपरस्टार शिवा राजकुमार, अर्चना जॉयस, अनुपम खेर और जयराम जैसे सुपरस्टार को देख पाओगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किस किस को घोस्ट मूवी का ट्रेलर पसंद आया है और किस किस को नहीं पसंद आया है। साथ ही साथ आप हमें नीचे ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस ट्रेलर को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और ये मूवी आपको पैन इंडिया लेवल पर 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी जिसको हिंदी डब में भी बहुत ही बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा।